हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइट्रिक एसिड की पढ़ाई करेंगे आईसीएससी बोर्ड सेमेस्टर 2 के एग्जाम में। जो चार कंपाउंड्स हैं, अमोनिया, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये चारों कंपाउंड के ऊपर हमने अपने लेक्चर्स लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसमें इमेजेस हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा, रिएक्शंस लिखने की कुछ ट्रिक्स हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस हैं, HCl, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो आज हम लोग नाइट्रिक एसिड स्टार्ट करने वाले हैं। तो नाइट्रिक एसिड आइए मेरे साथ शुरू करिए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड, इसको स्टार्टिंग में इसको इनिशियली क्या कहा जाता था, एक्वा फोर्टिस, ठीक है। एक्वा फोर्टिस मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर। क्यों कहते थे स्ट्रॉन्ग वाटर, क्योंकि ये एक एसिड था और ये बहुत सारे मेटल को क्या करता था, कोरोड कर देता था। तो ऐसा वाटर की तरह दिखने वाला या वाटर की तरह लगने वाला कोई एसिड जो क्या कर रहा है, बहुत सारे मेटल्स को कोरोड कर रहा है, तो इसको बोलते थे स्ट्रॉन्ग वाटर, मतलब एक्वाफोर्टिस, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात है। फिर 1658 में ग्लॉबर ने क्या किया कि नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया। कैसे ने प्रिपेयर किया, KNO3 को डिस्टिलेशन करा के विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, उसका डिस्टिलेशन कराया किसके साथ, मतलब मिला के हीट किया होगा, कुछ वेपर्स बने होंगे, ठीक है। तो उसका डिस्टिलेशन कराया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसीलिए इसका नाम बना नाइट्रिक एसिड, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं कॉमनली नाइट्र, ठीक है। उसके बाद 1784 है, मतलब उसके लगभग 125 साल के बाद कैवेंडिश ने इसके कंपोजिशन डिटरमाइन करे कि इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो कितना परसेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे अक्रंस, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अब तक आप समझने लगे होंगे कि फ्री स्टेट क्या होता है, कि एग्जैक्टली एज इट इज जो उसका फॉर्मूला है वैसा वो पाया जाए। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किसी और रूप में, किसी और फॉर्मूला में कंबाइन हो, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर कोई लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, जब बिजली कड़कती है, तो क्या होता है कि जो एटमोसफियर में नाइट्रोजन है वो क्या है, N2, मतलब एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम से 3 बॉन्ड बनाता है, वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो वैसे तो वो टूटते नहीं थे, लेकिन जब ये लाइटनिंग हुई तो ये टूट गए। और एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन स्टार्ट हुई और बना नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब अब इसमें अलग अलग ऑक्साइड्स होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे, तो धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO। कैसे याद रहेगा, ये आपको ऐसे याद रहेगा कि नाइट्रोजन जो है वो N2 है और ऑक्सीजन क्या है, O2, और इन दोनों ने क्या करी रिएक्शन और क्या बनाया, NO। तो बराबर एक मोल इसका जाएगा, एक मोल इसका जाएगा, तो दो मोल इसका बनेगा, ठीक है। दो मोल, एक मोल कंज्यूम होगा तो दो मोल NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो सबसे पहले बनता है वो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब NO2 में भी फर्दर अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, NO2, और NO2 क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर में पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बना, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स में जाके डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, ये सारी रिएक्शन होती है, और NO2 जब वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा होता है तो साथ ही साथ जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो उसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज करती है। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स हो रहा होता है, मॉइस्चर के साथ, तो नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब फर्दर और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है बच्चे, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब ये HNO3 जो बारिश के पानी में है, रेन वाटर में बन रहा है या मॉइस्चर में बन रहा है, ये क्या है, ये है फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई और एलिमेंट या कोई और एटम नहीं है, ये फ्री स्टेट है, सिर्फ HNO3 है, ठीक है। यही नाइट्रिक एसिड बारिश के पानी के साथ में हमारी लैंड पे आके बरसता है, और जब पहली बारिश होती है तो सब कहते हैं कि भाई पहली बारिश है, बाहर ना निकलो, क्योंकि सबसे पहले जितना ज्यादा से ज्यादा नाइट्रिक एसिड बना होगा मॉइस्चर में, वो सब क्या होगा, बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नीचे आया,
नाइट्रिक एसिड, अब ये तो एसिड है, मेटल को ये कोरोड कर देता है। और मेटल के कंपाउंड्स जैसे मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको ज़्यादा फील आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट पे जब मेटल के, जब ये एसिड की बारिश होती है, जब एसिड रेन होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होता है वो क्या हो जाता है, रिएक्शन करने लगता है और कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है। अभी हम धीरे धीरे सारी रिएक्शंस देखेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है जो कि सॉल्युबल होती है और घुल के निकल जाती है, मतलब जो हमारा रॉक था वो क्या होगा, वो खत्म होने लगेगा, जब मेटल उसको खा जाएगा। ठीक है, अब समझ में आने लगा होगा आपको कि नाइट्रिक एसिड कितना रेलिवेंट है हम लोगों के लिए, कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मेटल है, सॉरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, इसीलिए इसको बोलते हैं हुआ फोर्टिस। नाइट्रिक एसिड, इसकी हमने स्टेट्स देखी थी, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स ये हटा दीजिए आप। तो नाइट्रोजन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रस नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, जब ये सॉइल में होता है तब इसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको ये पता होगा कि सॉइल के अंदर फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, इन तीनों का एक रेशियो है जो कि होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन कम है तो यही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, यही कोई क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, किसमें, सॉइल में। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन यूजफुल हो रहा है हम लोगों के लिए। ठीक, अकरंस इन कंबाइंड स्टेट, अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो NaNO3 अगर हाइड्रेटेड होगा तो इसमें एच भी होगा, एच पॉजिटिव भी होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या है, NaNO3 हाइड्रेटेड, क्या है, चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, और इसमें से नाइट्रिक एसिड को निकाला जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकता है। आप पानी में इसको घोल दो, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, NO3- अलग हो जाएगा, एच पॉजिटिव वाटर का ले लेगा, HNO3 बना लेगा। ठीक है, और NaOH रह जाएगा। ठीक है, बंगाल सॉल्ट पीटर KNO3, तो KNO3 जो है इसको बोलते हैं बंगाल सॉल्ट पीटर या फिर इंडियन सॉल्ट पीटर या फिर इसको नाइट्र भी बोलते हैं, NITRE नाइट्र। ठीक है, तो ये सॉल्ट्स हैं जहां पर हमें नाइट्रेट आयन मिल रहा है और यहां से हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 63 ग्राम्स पर मोल, एक मोल अगर मॉलिक्यूल्स आप लोगे तो वो 63 ग्राम्स के होंगे। ठीक है, 63 AMU। डेंसिटी जो है इसकी ऑब्वियसली ज़्यादा है पानी से, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी आप देख रहे हो ज़्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी जो है, और इसमें जो अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डेंसिटी है इसकी 1.51 ग्राम पर सीसी, और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो है 83 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक चीज और आएगी कि ये वाटर के साथ एक ऐसा मिक्सचर बनाता है जिसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे होंगे तब वो चीज आएगी, तब उसको डिटेल में देखेंगे। यहां पर नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है और कैसे बना रहा है, यहां पर नाइट्रोजन सिर्फ 4 बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 4। नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है ओएच के साथ, नाइट्रोजन दो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ये तो HNO2 हुआ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर भी होता है। क्या कोवेलेंट करेक्टर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और इसमें आयनिक करेक्टर भी होता है, मतलब कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव,
ठीक है, ऑक्टेट जो है वो इस ऑक्सीजन के भी कंप्लीट है, नाइट्रोजन के भी कंप्लीट है, और यहां पर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों ही इसके सही स्ट्रक्चर से। तो आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है इन दोनों में से, वो दोनों ही सही स्ट्रक्चर्स माने जाएंगे। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो KNO3, अभी हमने देखा था नाइटर, बंगाल सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर, जो KNO3 है अगर उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपने हीट किया और टेम्परेचर अगर 200 डिग्री से कम रखा तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा HNO3 और H2SO4। अच्छा सर इसको अलग अलग कैसे करेंगे, अभी इसकी जब लैब प्रिपरेशन आएगी अभी पूरा देखेंगे। NaNO3 जो है ये क्या करेगा, सोडियम बाईसल्फेट बना लेगा और रह जाएगा HNO3। ऐसा क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में ये होता है कि जो H2SO4 है 200 डिग्री से कम हीट करने पे ये डिकम्पोज होता है H पॉजिटिव में और HSO4 माइनस में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन है बच्चों। ये जो H पॉजिटिव में डिकम्पोज हुआ और HSO4 माइनस में दिया, हमारे सॉल्यूशन में और क्या क्या है, K पॉजिटिव है और NO3 माइनस है। तो ये K पॉजिटिव जो है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, HSO4 के साथ। बेसिकली अटैच नहीं होता है, इसके आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं, सॉल्युबल रहता है। और H पॉजिटिव जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, NO3 के साथ। क्या इसके आयंस नहीं तैरते रहेंगे, क्या ये एसिड नहीं है, क्या इसके आयंस नहीं टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे। लेकिन जब हमने हीट कर रखा है 200 डिग्री के आसपास तो इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वोलेटाइल होता है और H2SO4 के वेपर बनेंगे नहीं। तो जिसके वेपर बनेंगे उसके वेपर्स को हम क्या करेंगे, एंड में कलेक्ट कर लेंगे, उसे ठंडा कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। यह है लॉजिक। अगर यहीं पर टेम्परेचर, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ज्यादा टेम्परेचर होता तो क्या होता, अगर यहीं पर अगर टेम्परेचर 200 डिग्री से ज्यादा होता तो H2SO4 डिकम्पोज होता बच्चों, 2H पॉजिटिव देता और सल्फेट माइनस माइनस आयन देता। ठीक है, 2H पॉजिटिव क्या बनाते, दो मॉलिक्यूल बना लेते HNO3 के, क्योंकि 2KNO3 यूज हो जाता, 2KNO3 यूज हो जाता तो दो मॉलिक्यूल्स बनते HNO3 के और K2SO4 बनता। तो अब इस रिएक्शन में तो हमें ज्यादा HNO3 मिल रहा है, तो हम ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, अभी समझेंगे लैब प्रिपरेशन, इसकी धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं करते हैं बल्कि ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर 200 डिग्री से कम रखते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहां पे क्या किया गया है, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3 इसको हीट किया गया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, क्या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ के आइएगा प्लीज, थोड़ा सा बता रहा हूं, क्या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक होता है, नहीं, ये एसिडिक नहीं होता। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता और ना ही ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क यह है कि डाइल्यूट में क्या है, पानी में आपने H2SO4 मिलाया तो H2SO4 टूटना शुरू होगा धीरे धीरे, तो H2SO4 जब टूटेगा H पॉजिटिव देगा तभी वो एसिडिक होगा, तभी वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। अदरवाइज कंसंट्रेटेड है तो ना एसिडिक होगा ना इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक, वोलेटाइल भी नहीं होता है कंसंट्रेटेड, वोलेटाइल का मतलब यह है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है H2SO4 का, 338 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वेपर्स भी नहीं बनेंगे इसके 200 के आसपास। ठीक है, अब HNO3 यहां से बना और क्या निकल गया, अलग सॉल्यूशन में क्या रह गया, सॉल्यूशन में आयंस रह गए K पॉजिटिव के और HSO4 माइनस के। ठीक, पोटेशियम बाइसल्फेट सॉल्यूशन के अंदर है। अच्छा जी, तो पोटेशियम बाइसल्फेट कोई सॉलिड होगा, नहीं, इसके जो आयंस होंगे ये अलग अलग तैरते रहेंगे, एक प्रेसिपिटेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, सॉलिड नहीं बनाएंगे। तो HNO3 के वेपर्स जो है ये यहां से हमें जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक, यहां पर हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखेंगी। ये फ्यूम्स क्यों दिखती हैं, क्योंकि KNO3 भी डिकम्पोज हो सकता है और HNO3 जो बना है हीटेड है वो भी डिकम्पोज हो सकता है, और NO2
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है डिकम्पोज होकर। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे तब उसमें आएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन में बन रही होती है जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं। फिर क्या कर रहे हैं फर्दर हम लोग, HNO3 जो आ रहा है वेपर फॉर्म में, इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। जब इसको कलेक्ट करते हैं तो इसको यहाँ से ऊपर से ठंडा किया जा रहा है, चिल्ड किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है, क्योंकि वेपर्स जो है वो ठंडे हो जाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड। अब सवाल ये आता है कि अगर इस रिएक्शन को हमने 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे किया होता तो क्या होता। अगर हमने इस रिएक्शन को 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे किया होता बच्चे, KNO3 प्लस H2SO4 व्हेन द टेम्परेचर इज मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों ही H निकल जाते, तो 2H पॉजिटिव निकल जाते। अगर दोनों ही H पॉजिटिव निकल जाते तो कितने आयंस बनते HNO3 के? सर दो आयंस बन सकते थे, बिल्कुल सही जवाब। दो आयंस बनने के लिए कितने NO3 चाहिए होते? 2K NO3। तो दो आयंस बनते, दो मॉलिक्यूल बनते हैं HNO3 के, ठीक। तो दो पोटेशियम आयंस चाहिए होते तो 2K NO3 प्लस K2SO4। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन जो है ये मैं ज़्यादा HNO3 दे रही है फिर भी इस रिएक्शन को नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? सवाल। तो सवाल का है जवाब कि पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट यहां पर जमा हो जाता है एक लेयर में। अगर यहां पर ये एक लेयर में जमा हो जाएगा फ्लास्क में तो क्या हो सकता है? पहली बात, वेपर्स बहुत ज्यादा बनेंगे। दूसरी बात, आपको हीट ज्यादा करना पड़ेगा तो फ्लास्क क्रैक हो सकता है। और फ्लास्क के ऊपर सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट जमा हो जाता है, यह आयंस की तरह घुला नहीं रहता, फिर क्या होगा? फिर इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्रैच कर करके निकालना पड़ेगा। तो आपका काम बढ़ गया। स्क्रैचिंग के दौरान भी क्या, फ्लास्क तो आपका खराब ही हो रहा है। उसके अलावा ये जो एक लेयर बना लेता है पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट फ्लास्क के ऊपर, तो फर्दर अगर हमें इसी फ्लास्क को यूज़ करना पड़ गया तो हमें ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी क्योंकि एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी। इस वजह से हम 200 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं, 200 डिग्री से कम पे काम करते हैं, ठीक है। कलेक्शन की बात करें तो वेपर्स जो कि कंडेंस हो रहे हैं वो एक लिक्विड बनाते हैं, और वो लिक्विड किस कलर का होता है जिसको हमने चिल्ड किया है, कूल किया है? वो होता है लाइट येलो कलर का। अच्छा जी, क्या नाइट्रिक एसिड का कलर येलो होता है? पता नहीं, देखेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। येलो कलर को रिमूव भी किया जा सकता है बाई बबलिंग द एयर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा एयर पास करा दो, बहुत पानी मिला दो, एयर पास कराने के साथ पानी भी मिला दो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो। समझेंगे क्या चीज़ें हैं, क्या है ये जो आपको कलर मिलता है, ये कलर क्यों मिलता है? ये कलर मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? हमने तो HNO3 बनाया था ना? हाँ जी बनाया था, लेकिन HNO3 रखे रखे भी क्या होता है? डिकम्पोज। और किस में डिकम्पोज होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स देता है, NO2 देता है और देता है ऑक्सीजन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस्ड नहीं है। तो इधर 2 लिख दो, इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये अब रिएक्शन बैलेंस्ड लगा नज़र आ रही है? हाँ जी बैलेंस्ड है। तो HNO3 क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रहा है और NO2 दे रहा है और दे रहा है नेसेंट ऑक्सीजन। ऐसे 4 मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे थे तो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे थे, ऐसे 4 मॉलिक्यूल अपने आप में ही डिकम्पोज होते रहेंगे और क्या देते रहेंगे? 2H2O, 4NO2 और ऑक्सीजन की गैस। ये दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लेंगी। तो यही होती है इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोज होते होते NO2 दे रहा है, NO2 की वजह से हमें कलर मिल रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का जो कलर होता है वो होता ही नहीं है कोई। नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड का कोई कलर नहीं होता। कलर किसका आ रहा है? कलर आ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। उस कलर को कैसे मिटा सकते हैं? इस रिएक्शन को जो कि रिवर्सिबल होती है, जो कि क्या होती है? दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल होती है। इस रिएक्शन को पीछे की तरफ चला दो। पीछे की तरफ चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास इधर बन रहा है H2O NO2, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो। अब NO2 का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाएंगे? हमें NO2 तो खत्म करना है। तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, एयर पास कर दो, तो उससे क्या होगा? रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी और HNO3 बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इसके कलर को साफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं NO2 को। लैब प्रिपरेशन में एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं। एक प्रिकॉशन ली गई है
कि HNO3 जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये रबर को भी अटैक करता है, कॉर्क को भी अटैक करता है, इसीलिए इस पूरे प्रोसीजर में सिर्फ ग्लास एपरेटस ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। HNO3 बहुत ही ज़्यादा तेज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो जिसको रिएक्ट करेगा मेटल को या नॉन मेटल को, या तो क्या करेगा, या तो कोरोड करेगा, या उसका ऑक्साइड बनाएगा, या उसका सॉल्ट बनाएगा, मतलब ये किसी को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए इसको ग्लास में रखा जाता है। उसका जो ढक्कन भी होता है वो भी ग्लास का रख दिया जाता है, ठीक है। HCl कैन नॉट बी यूज इंस्टेड ऑफ H2SO4। जो हमने ये रिएक्शन कराई थी बच्चों, KNO3 प्लस H2SO4, इससे हमें क्या मिला था, इससे मिला था KHSO4 प्लस HNO3। तो H2SO4 एक एसिड है, ये कौन सा एसिड है, वोलेटाइल के नॉन वोलेटाइल, ये है नॉन वोलेटाइल, इसके वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे, ये वोलेटाइल है, इसके वेपर्स आसानी से बन जाएंगे। अब इसके वेपर्स ही तो हम कलेक्ट कर रहे थे, अगर इसके वेपर्स में H2SO4 के भी वेपर मिल जाते तो हमारी प्रॉब्लम तो और ज़्यादा बढ़ जाती, सॉल्व नहीं होती, इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया ताकि ये वोलेटाइल नेचर बिल्कुल भी शो ना करे, ये क्या करे, नॉन वोलेटाइल। अगर इसकी जगह पे HCl ले लेते, थोड़ा स्लो करा, अगर इसकी जगह पे HCl ले लेते तो क्या ये नहीं बनता, बिल्कुल बनता, ठीक है, KCl प्लस HNO3। लेकिन HCl भी वोलेटाइल है और HNO3 भी वोलेटाइल है, तो दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो दोनों के ही वेपर्स निकलते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारी प्रॉब्लम तो और बढ़ जाती। हम ये चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल HNO3 कलेक्ट करें, तो वो तभी हो सकता है जब हम H2SO4 लें। HCl ले लेंगे तो ये भी वोलेटाइल, ये भी वोलेटाइल, दोनों के वेपर्स आ जाएंगे ऊपर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे समझते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, अमोनिया गैस ली जाती है NH3 और उसको ड्राई एयर के साथ पास किया जाता है, ठीक। ड्राई एयर के साथ एक कन्वर्टर में इसको जब पास करते हैं तो प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। उसके बाद ये अमोनिया ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब क्या है, मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ अमोनिया की क्या करानी है हमको, रिएक्शन। तो नाइट्रोजन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन कराना है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करा के हम प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड जिसका नाम होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को कूल किया जाता है, कूल करके फर्दर इसको एक ऑक्सीडेशन चेम्बर में भेजते हैं जहाँ पर और ज़्यादा ऑक्सीजन लाते हैं एयर से, और नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब एक बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एक थर्ड चेम्बर से पास कराया जाता है, और इस चेम्बर में क्या होता है, इस चेम्बर में वाटर को हम स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, पानी छिड़कते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होता है कि पानी का एब्जॉर्प्शन, पानी जो होता है H2O वो क्या करता है, NO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, HNO3। डिकम्पोजिशन की भी यही रिएक्शन थी और बनने की भी यही रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो हमें HNO3 मिलता है, ये मिलता है बेसिकली डाइल्यूट HNO3। टावर्स के नाम याद रखिएगा, सबसे पहले कन्वर्टर है, फिर है ऑक्सीडेशन चेम्बर, और फिर है एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक। यहाँ पर एसिड प्रूफ फ्लिंट लगाई जाती है ताकि एसिड से वो फ्लिंट, वो जो पूरा एरिया है जहाँ से पानी स्प्रिंकलिंग होकर आ रहा है, वो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो ये है कैटालिटिक चैम्बर जहाँ पर हमने प्लैटिनम का एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रखा है। यहाँ अमोनिया और एयर दोनों को भेजेंगे, इन दोनों की रिएक्शन होगी और बनेगी नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिक्स होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, वाटर के साथ मिक्स हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो बन रहा है HNO3, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ये लिख देंगे कि एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब O2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, O2 लिख देंगे। तो आप भी क्या करो, 2 कर दो, कैसे करोगे, 4NO2, मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 किसके साथ ऐड होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ,
प्लस ऑक्सीजन, और क्या मिलेंगे हमें, चार मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। अब क्योंकि वाटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें नाइट्रिक एसिड कलेक्ट होगा उसके साथ बहुत सारा पानी होगा, तो हमें एक मिक्सचर मिलेगा बेसिकली जो कि होगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब रिएक्शंस देख लेते हैं, अब लॉजिक समझ में आ गया, रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन सबसे पहले ये है कि आपने अगर 1 लीटर अमोनिया ली है तो आप 10 लीटर एयर लेकर आओ, मतलब एयर की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप एक, आपको पता है ना कि आप 1 लीटर अमोनिया के साथ अगर 10 लीटर ऑक्सीजन लाओगे, सॉरी 10 लीटर एयर लाओगे, तो उस एयर में ऑक्सीजन सब कुछ तो होगी लगभग 1/5 के आसपास, ठीक है, बहुत कम। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एयर लेकर आते हैं और दोनों को कैटालिटिक चैम्बर में डाला जाता है जहाँ पर प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो अमोनिया, देखिए रिएक्शन को, ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर से हम लेकर आए रिएक्शन करेगी, और हमें यह पता है कि जो पहली रिएक्शन होती है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, वाटर, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में प्लैटिनम गेज का इस्तेमाल किया जाता है, या प्लैटिनम लिख सकते हैं, ठीक है। करीब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। अब यह रिएक्शन जब आगे की तरफ चल रही है, मतलब नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या यह रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस्ड है। तो अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखो, 2, यहां पर क्या लिखो, 3। तो बच्चों यहां पर हमने 2 लगाया अमोनिया के साथ और 3 लगाया वाटर के साथ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। क्या नाइट्रोजन बैलेंस है, नहीं, तो 2 लगा तो यहाँ अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन अभी भी बाकी है, ठीक है। ऑक्सीजन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 3 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, अच्छा अगर 5 लिखेंगे तो 10 हो जाएंगी, तो 5/2 लिख देते हैं। तो 5/2 जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। पर केमिस्ट्री में रिएक्शन ऐसे तो लिखी नहीं जाती है 5/2, तो कैसे लिखी जाएंगी, इस पूरी रिएक्शन को 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 2 × 4 4NH3 प्लस 5O2 क्या देगा बच्चों हमें, 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। एक बार हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया, वहां से हमें क्या करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब जो NO है उसका ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो 1 के बजाय 2 ऑक्सीजन, मतलब 1 ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगी। ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई। और फिर क्या करो, फिर पूरी रिएक्शन को 2 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2। तो ये 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली रिएक्शन जो है वो कैटालिटिक चैम्बर में हो रही है जिसमें प्लैटिनम एज अ कैटालिस्ट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। दूसरी रिएक्शन जो है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन चैम्बर में हो रही है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी इस रिएक्शन को कराती रहती है, तो यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन आराम से होती रहती है, ठीक है। अब एक बार हमें क्या मिल गया, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कैसे नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, हमें यह पता है कि अगर HNO3 डिकम्पोज होता तो क्या बनाता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन निकलती, कैसे निकलती देखते हैं। अगर 4 मॉलिक्यूल HNO3 के टूटते डिकम्पोज होते तो 4NO2 मिलते, 2H2O मिलते। क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता अगर 4 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दो, कैसे कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या 2 मोल ऑफ वाटर, जिस तरीके से भी आप ठीक समझो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या देगा हमें, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 4 मोल्स ऑफ HNO3। ये रिएक्शन मॉलिक्यूल लेवल पे भी समझी जा सकती है क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये रिएक्शन के जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये बेसिकली मोल्स बताते हैं कि 4 मोल NO2
दो मोल H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक मोल ऑक्सीजन क्या दे रहा है, चार मोल HNO3। पर इसमें क्या करना पड़ रहा था, वाटर स्प्रिंकल करना पड़ रहा था, तो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर NO2 को, तो इस टॉवर का नाम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन चेंबर। तो तीन चेंबर मिले हमको, कैटालिटिक चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर और एब्जॉर्प्शन चेंबर, और एंड में क्या मिला, नाइट्रिक एसिड। यही है ओसवाल्ड प्रोसेस। फिर से रिवाइज करते कि एक वॉल्यूम अमोनिया, 10 वॉल्यूम एयर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एयर है वो डस्ट फ्री होनी चाहिए, उसमें अगर डस्ट होगी तो हमारा कैटलिस्ट भी खराब हो सकता है, ठीक है। कैटालिटिक चैम्बर में ये जाएगा, 4NH3 5H2O क्या देंगे, 4NO और 6H2O, और साथ में निकलेगी कुछ हीट। तो ये पहली रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगली रिएक्शन में क्या है, थोड़ा कूल डाउन करेंगे, हीट एक्सचेंज का मतलब ये है कि हम इसको कूल डाउन करेंगे, किसको, NO को, क्योंकि हीट निकल रही है ना रिएक्शन से, तो NO जो निकल रही होगी गर्म गर्म निकल रही होगी। अब NO को फर्दर ऑक्सीडेशन के साथ, फर्दर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज किया जाएगा और बनेगी 2NO2। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन चेंबर। ऑक्सीडेशन चेंबर से जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से हमें तीन चेंबर्स में तीन बार काम मिल जाएंगे और हमारा ये ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन कॉमर्शियली नाइट्रिक एसिड जो होता है वो येलोइश ब्राउन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल स्केल पे बहुत होता है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या करता है, अपने आप को डिकम्पोज करता रहता है, और डिकम्पोज करता है तो NO2 छोड़ता रहेगा, तो उससे ब्राउनिश कलर आएगा। और हो सकता है कि अगर बहुत हमने कोशिश करी कि ये डिकम्पोज ना हो, ठीक है, और डायल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो वो किस में डिकम्पोज होता है, H2O में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके की भी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। तो इसका कलर क्या होता है, येलो, ठीक। तो नाइट्रिक एसिड का कलर येलो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्राउन। इसीलिए हमें इस सॉल्यूशन का कलर मिलता है येलोइश ब्राउन, ठीक है। इसे हमेशा रखा जाता है एक स्टॉपर्ड बॉटल में। क्या मतलब है ये स्टॉपर्ड बॉटल का, इसका मतलब ये है कि इसको हम कॉर्क वगैरह से ढक के नहीं रखते हैं, वरना ये कॉर्क को भी क्या करेगा, इसके वेपर्स जो होंगे वो कॉर्क को भी कोरोड कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। तो इसको रखा जाता है ग्लास से ढक के, ताकि ये कहीं से किसी को, मेटल को या नॉन मेटल को कोरोड ना कर पाए, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर पानी में घोलो तो सारे प्रोपोर्शंस में पानी में ये घुल जाता है। अच्छा जी, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है वाटर के साथ। अगर वाटर के साथ ये मिक्स कर दिया गया तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कितने डिग्री पे बनाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाता है, ठीक। किस समय, जिस समय 68% एसिड होता है वाटर, 68% एसिड है वाटर में, बाकी क्या होगा, बाकी वाटर होगा, कितना परसेंट होगा, 32%। अब ये जो सॉल्यूशन है ये 100 डिग्री पे बॉयल नहीं हो रहा है, ना ही ये 110 डिग्री पे बॉयल होगा, ना ही 120 पे, ये होगा 121 पे। एक कांस्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर पानी के साथ बना रहा है। तो अगर आप पानी के वेपर्स बनाना चाहोगे तो वो 100 डिग्री पे नहीं बनेंगे, वो बनेंगे 121 डिग्री पे। और जिस समय पानी के वेपर्स बन रहे होंगे उसी समय HNO3 के वेपर्स भी बन रहे होंगे, तो इसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। प्योर एसिड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो है 86 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये कोरोसिव होता है, कोरोड कर देता है मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, यहाँ तक कि अगर स्किन के ऊपर आ गया है तो स्किन के ऊपर भी क्या करेगा, ब्लिस्टर्स कर देता है, छाले कर देता है, जला देता है स्किन को, ठीक है। स्किन का जो प्रोटीन होता है उसके साथ ये रिएक्ट करता है और ज़ेंथ्रोप्रोटिक एसिड बना लेता है, ठीक, जिससे स्किन का जो कलर होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्किन कोरोड भी हो रही है, छाले भी बन रहे हैं, और उनका कलर कैसा हो रहा है, येलो कलर का। किसकी वजह से, ज़ेंथ्रोप्रोटिक एसिड। इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तब ये आएगा डिटेल में, ठीक है। व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्स इन रेन वाटर, अभी पढ़ा था ना हमने कि नाइट्रोजन ने ऑक्साइड्स बनाए थे एटमोसफियर में, फिर वो रेन वाटर में जब डिसॉल्व होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एसिड रेन हो रही है। अब रेन में ही अगर एसिड है तो एसिड रेन तो कहा ही जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 4HNO3 डिकम्पोज होते हैं 4NO2 ऑक्सीजन और H2O में, वाटर में। तो ऑक्सीजन कलरलेस है,
HNO3 कलरलेस है, लेकिन ये जो NO2 होता है ये होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। तो अगर आप इसको सिर्फ धूप में रख दोगे या सनलाइट में रख दोगे तो HNO3 डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसे पता चलेगा, कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो जो येलोइश ब्राउन कलर आता है वो NO2 की वजह से आता है। एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर अगर डाइल्यूट भी है तो डाइल्यूट में मैंने क्या बताया था कि NO टूटेगा, NO का भी कलर आएगा, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा सॉल्यूशन में कलरफुल दिखता है सॉल्यूशन वो दिखता है NO2 की वजह से। एसिडिक नेचर क्या है, एक एच प्लस लूज करता है, अगर एक एच प्लस लूज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मतलब पानी के साथ, तो हमें यह पता है कि पानी जो होता है वो एच प्लस को अटैच कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। एक्चुअल में एग्जिस्ट यही करता है हाइड्रोनियम आयन, आसानी पड़े लिखने में इसलिए एच पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। तो एक एच पॉजिटिव लूज कर रहा है तो कौन सा एसिड है, मोनो बेसिक एसिड। अगर दो एच पॉजिटिव लूज करता तो डाई बेसिक एसिड, तीन लूज करता तो ट्राई बेसिक एसिड। जैसे H2SO4 है वो क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड। जैसे H3PO4 है वो क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक एसिड। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में इसका टेस्ट देखा जाए तो लिटमस पेपर को एसिड है तो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस में, ठीक है। और एक टेस्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में कि एक्शन ऑन इंडिकेटर ऑन एंडिंग अ ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड, कि मिथाइल ऑरेंज जो है अगर मिथाइल ऑरेंज में हमने इसकी नाइट्रिक एसिड की ड्रॉप डाली तो क्या होगा, तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में पिंक या रेडिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस में डालते हैं, अगर NaOH डालते हैं मिथाइल ऑरेंज में तो उसका कलर येलोइश हो जाता है। एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनफ्थिलीन। फिनफ्थिलीन जो है वो एसिडिक में, एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, तो यहां पर HNO3 डालेंगे तो फिनफ्थिलीन क्या रहेगा, कलरलेस। और बेसिक मीडियम में जो फिनफ्थिलीन होता है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो एक्शन ऑन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब कुछ जनरल रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कोई बेस है या कोई अल्कली है, तो अल्कली या बेस इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई मेटल का बेस है। अच्छा जी, अब मेटल के बेस, मेटल का ऑक्साइड है, अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेस होता है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो भी बेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaOH KOH, मतलब अल्कली, जो OH- दे वो अल्कली। इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, अगर हमें इस कंसंट्रेटेड लिखा होता तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डोमिनेट करने लगती हैं, ऐसा नहीं कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता बट डोमिनेट करने लगती हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट होता है तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज डोमिनेट करने लगती हैं, ठीक है, होंगी दोनों पर डोमिनेट कौन सी करेगी वो देखा जाता है। तो डाइल्यूट है तो एसिडिक प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी। अब बेस प्लस एसिड ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रेट आयन है तो हमें मेटल के मिलेंगे नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन था तो मेटल के क्या मिलते थे, सल्फेट, ठीक है। जैसे K2O मेटल का ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, इसने HNO3 के साथ रिएक्शन करी, HNO3 में हमने डाला या HNO3 इसके ऊपर डाला, ठीक है, थोड़ा सा बूंद बूंद करके, उसमें क्या हुआ कि हमें सॉल्ट मिला, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, मतलब एक सॉल्युबल सॉल्ट मिला, नाइट्रेट सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और क्या मिला हमें, वाटर का मॉलिक्यूल मिला। तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। KOH क्या है, बेस प्लस एसिड गिव्स KNO3 एंड H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका जो K पॉजिटिव है वो NO3- के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, K पॉजिटिव NO3- सॉल्ट, और रह क्या जाएगा, OH- प्लस H पॉजिटिव, मतलब वाटर। केमिकल प्रॉपर्टी में आके देखते हैं कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसमें CO3 हो, CO3- बेसिकली कार्बोनेट आयन होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, जिसमें HCO3- हो। अच्छा जी, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। तो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, मेटल नाइट्रेट बना लेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, चलो देखते हैं, समझते हैं। मान लो
कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट होता Na2CO3, Na2CO3 की रिएक्शन आप कराते HNO3 के साथ, ठीक। तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ता रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब लिखते लिखते आदत पड़ जाती है, आपकी भी पड़ जाएगी। कहाँ गया इरेजर? मैं अपनी इंक ले लूँ यहाँ से। Na NO3, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, कितने बनेंगे? 2, और क्या बच जाएगा? H2CO3। यही तो रिएक्शन होनी चाहिए ना, कि जो Na पॉजिटिव है वो NO3 के साथ रिएक्शन कर ले और जो 2 H है वो कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन करें और क्या बन जाए? H2CO3। अब ये जो H2CO3 होता है ये बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है और बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इसका बना रहना बहुत मुश्किल है। तो ये किस में डिकम्पोज होता है? वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसीलिए कोई भी मेटल कार्बोनेट HNO3 के साथ क्या देगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बोनिक एसिड देना चाह रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ हम जा रहे थे और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन कर रहा था, वीक एसिड रिएक्शन कर नहीं पाता तो स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा था और वीक क्या हुआ? डिकम्पोज हो गया H2O में और CO2 में। तो आओ इसके कुछ रिएक्शंस देखें। कैल्शियम कार्बोनेट HNO3 के साथ क्या करेगा? कैल्शियम नाइट्रेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट HNO3 के साथ क्या करेगा? सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये भी क्या करेगा HNO3 के साथ? कैल्शियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशंस को पॉज करिएगा, लिखिएगा, पहले बिना बैलेंस करी हुई लिखिएगा, फिर खुद से ट्राई करिएगा बैलेंस करने का, ठीक है। फिर ना समझ में आए तो देखिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, आप एग्जाम में क्या करो बैलेंस इक्वेशन आराम से लिख सको, आपको अच्छे से याद हो जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, उसके बाद क्या आता है? जनरल रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, ठीक है। मेटल सल्फाइड्स, ये सल्फाइड्स होगा यहाँ पे बच्चे, मेटल सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ठीक है। क्या है ये? K2SO3 क्या है? पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड क्या बना लेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या बनाएगा? H2SO3। अब यही H2SO3 तो डिकम्पोज हो रहा है H2O में और SO2 में, ठीक है। इस तरीके से लॉजिकली याद करने की कोशिश करना। कैल्शियम बाइसल्फाइड HNO3 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट HO2 और SO2। बेसिकली ऐसे इमेजिन किया करो कि कार्बोनेट में जो है वो CO2 फंसा हुआ है, तो CO2 को निकलना है जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई। सल्फाइड में SO2 जो है वो बेचारा फंसा हुआ है, SO2 को वहां से एस्केप करना है। तो SO2 एस्केप करेगा या CO2 एस्केप करेगा तो सॉल्ट रह जाएगा और वाटर रह जाएगा। कैसे रह जाएगा सॉल्ट वाटर? अगर CO2 या SO2 ने एस्केप किया तो सॉल्ट और वाटर कैसे रह जाएगा? और समझते हैं। जैसे यहां से मान लो कि CO2 एस्केप कर गया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ऐसे एस्केप करा ना, हीट करा, मान लो एस्केप किया, अब रिएक्शन होगी। एक तो हीट करने से एस्केप कर रहा था, अब रिएक्शन में भी एस्केप कर रहा है, CO2 एस्केप कर रहा है, तो क्या बचा? कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस है और ये एक एसिड है, तो बेस प्लस एसिड क्या देंगे? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। अब इधर देखो, ये तो बड़ा अच्छा तरीका निकाला सर। अब इधर देखो, SO2 मान लो एस्केप कर गया तो क्या बचा? K2O। K2O क्या है? मेटल ऑक्साइड, बेस। बेस प्लस एसिड क्या देंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इन तरीकों से आप रिएक्शंस को अलग अलग नजरिए से देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो प्योर और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसके आयंस बहुत कम बनते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है और एसिडिक प्रॉपर्टी डोमिनेट नहीं करती है कंसेंट्रेटेड वाले में, ठीक। अब इतना ज़्यादा ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये बहुत सारे नॉन मेटालिक कंपाउंड्स के साथ भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि HNO3 कंसेंट्रेटेड जब डिकम्पोज होता है तो 2NO2 H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और दो मॉलिक्यूल अगर डाइल्यूट के डिकम्पोज हुए, क्या डाइल्यूट वाले की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है? हाँ होती है, पर डोमिनेट नहीं करती है। तो डाइल्यूट के साथ
क्या देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहां पर NO2 था, यहां पे क्या है, केवल NO। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क है कि कंसंट्रेटेड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, साथ में निकलता है वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, इसके दो मॉलिक्यूल एक नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे थे, इसके जो दो मॉलिक्यूल होंगे वो तीन नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। ठीक, तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म नाइट्रेट। अभी समझते हैं कि मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, वेरी एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये वही रिएक्शन देंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलती है हम लोगों को। क्या रिएक्शन होती है कि मेटल को जब आप एसिड में डालते हो, मेटल को जब आप एसिड में डालते हो तो वो क्या करता है, H+ को सब्सटीट्यूट कर देता है, मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन की गैस। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा तेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो फॉरन H2O को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, किसमें, H2O में। तो हर मेटल के साथ यही कर रहा था बेचारा, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ HNO3 को जब हमने डाला तो हाइड्रोजन गैस मिली और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही थी। लेकिन अगर इसको ऑक्सीडेशन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा, वेरी डाइल्यूट। अब सिर्फ डाइल्यूट नहीं लेना पड़ेगा, वेरी डाइल्यूट, बहुत कम बहुत कम, ताकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ना हो और बहुत ही रिएक्टिव मेटल लोगे, तब जाके कहीं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होगी। इन जनरल अगर जिंक लेते या कॉपर लेते या आयरन लेते तो क्या होता, देखते हैं। जैसे कॉपर है, जिंक है या आयरन है, ठीक है, ये उतने रिएक्टिव नहीं है जितने रिएक्टिव मैग्नीज या मैग्नीशियम थे। ठीक है, तो कॉपर, जिंक, आयरन, ये क्या करेंगे, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ NO2 देंगे। इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, डिकम्पोज और क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और कंसंट्रेटेड के साथ NO2 देंगे, इसका मतलब क्या कर रहा होगा, डिकम्पोज और क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कॉपर, जिंक और आयरन की रिएक्शंस देखते हैं एक बार। तो कॉपर जो है वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट दे रहा है और NO2 दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और कॉपर जो है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट दे रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब ऊपर वाली रिएक्शन जो है इसको स्टिक्योमेट्री या इस कैसे सीखनी है या कैसे इसकी बैलेंसिंग करनी है वो देखते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप क्या करो, सबसे पहले HNO3 का डिकम्पोजिशन सीखो। HNO3 किस में डिकम्पोज होगा, HNO3 डिकम्पोज होगा, 2 HNO3 जो होंगे वो एक वाटर का मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है, 2 NO2 देंगे, ठीक है, और कितने ऑक्सीजन है यहां पे, 6, और यहां पे कितने हैं, 1 1 और 4 5 6, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो दो मॉलिक्यूल HNO3 के डिकम्पोज होके एक नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। कॉपर अगर यही नेसेंट ऑक्सीजन ले लेता तो कॉपर क्या हो जाता, ऑक्सीडाइज, और क्या बन जाता, कॉपर का ऑक्साइड। अब कॉपर का जो ऑक्साइड है ये क्या बनता, बेस। अब यही बेस क्या कर सकता है, एसिड के साथ रिएक्शन। अगर ये बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 HNO3, 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें कॉपर नाइट्रेट बनाना है, CuNO3 होल टॉइस, ठीक है, साथ में क्या रह जाता, वाटर का मॉलिक्यूल। अब इन तीनों रिएक्शंस को क्या करो, इन तीनों रिएक्शंस को एक साथ देखो, इनको ऐड करो, तो ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसिल आउट हो सकती है कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड से कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं, तो एंड में क्या बचा कि एक कॉपर, 4 HNO3, 2 ये वाले और 2 ये वाले, 4 HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, CuNO3 होल टॉइस, और क्या बनता है, 2 NO2, क्योंकि यहां मिला हमें, और मिलता है वाटर, कितना, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप डिकम्पोजिशन सीखा और रिएक्शन सीखी। अब नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है, ये आप उठाओ कॉपी, उठाओ पेन, वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट रिएक्शन को लगाओ।
ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में मैं हिंट दे देता हूं क्या होगा कि HNO3 जब डिकम्पोज होगा तो डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड है तो कैसे डिकम्पोज होता है, वाटर, नाइट्रिक एसिड और नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर, नाइट्रिक एसिड और नेसेंट ऑक्सीजन इसमें डिकम्पोज होगा, ठीक है। 2, 3 जा 6, 3, तो ये कितना नेसेंट ऑक्सीजन देगा डिकम्पोज होके, 3 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, तो 3 कॉपर लगेंगे, 3 कॉपर लगेंगे, वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे या 3 ऐसे यूनिट बना लेंगे कॉपर ऑक्साइड के। और फर्दर कॉपर ऑक्साइड को क्या करना होगा, फर्दर कॉपर ऑक्साइड को ये जो CuO बना है, 4 कितने बने, 4 CuO, ये किसके साथ ऐड होंगे, 4 HNO3 के साथ, अच्छा जी 4 नहीं सॉरी 4 ये जो 4 सॉरी हाँ 3 HNO3 के साथ रिएक्ट होंगे और क्या बनेगा, CuNO3 होल टॉइस, ठीक है, कितना 3। तो इस तरीके से रिएक्शन चलेगी, इसे कॉपी पे पेन पे लिखिए, ट्राई करिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, ऐसी सारी रिएक्शंस को हम तोड़ तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो Cu+8HNO3 गिव्स CuNO3 2NO और 4H2O, यह है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, किसकी, नाइट्रिक एसिड की। तो नॉन मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी नाइट्रिक एसिड जो होता है वो रिएक्शन करता है, इसमें किसके साथ नहीं करता अगर पूछ लिया जाए तो सिलिकन के साथ और हैलोजन के साथ, ठीक है। क्या करता है बेसिकली ये नॉन मेटल्स को उनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहां तक क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उनके एसिड्स वगैरह भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, और साथ में क्या बच जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर कंसंट्रेटेड है, और अगर डाइल्यूटेड है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शंस देखते हैं तब समझ में आएगा कि कार्बन HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CO2, NO2 निकल जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ये बेसिकली हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कार्बोनिक एसिड बना होगा जो कि डिकम्पोज हो गया होगा H2O में और CO2 में, ठीक है। अगर डाइल्यूट होता तो भी ये कार्बन का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कैसे सीखनी है, जैसे मैंने पहले पीछे ट्रिक बताया, इसी तरीके से आपको एक एक रिएक्शन देखनी है, एक एक रिएक्शन इसी तरीके से सीखनी है। अभी टाइम नहीं है उतना डिटेल में कराएं, लेकिन इसी तरीके से आपको एक एक रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो कार्बन प्लस 4 HNO3, ये क्या देखा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा और H2O, तो दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ लो कि HNO3 जो है ये डिकम्पोज होगा NO2 में, और कार्बन को ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 मिलेगी, और साथ मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर के मॉलिक्यूल। अगर डाइल्यूटेड भी होता तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता और H2O। बाकी बैलेंसिंग जो है आप मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन उस तरीके से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो, और रिएक्शंस को तोड़ के भी कर सकते हो, वो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, पर पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसान लगेगा। रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो कार्बन का अगर इसने, कार्बन के साथ अगर हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और NO3 बना। सल्फर के साथ अगर लेंगे तो क्या होगा, तो H2SO4 बनेगा। हमने बताया था ना कि नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है और उनके क्या बना देता है, उनके ऑक्सी एसिड्स बना देता है, ठीक है। तो सल्फर के साथ क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रह जाएगी। बैलेंसिंग अलग से करना, पहले लिख लेना सिर्फ इक्वेशन कि सल्फर HNO3 गिव्स H2SO4, 2H2O एंड NO2, ठीक है। उसके बाद कार्बन HNO3 गिव्स CO2, H2O एंड NO2, फिर बाद में बैलेंसिंग करना पेपर पे लिख के। फॉस्फोरस के साथ क्या होगा, फॉस्फोरस के साथ करके एक करके दिखा देते हैं, फॉस्फोरस वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, तो फॉस्फोरस वाला करके दिखा देते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस के साथ क्या होगा, बेसिकली HNO3 क्या होता है, डिकम्पोज। कैसे डिकम्पोज होता है, आइए देखते हैं। 2 HNO3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर डिकम्पोज होते हैं तो 1 H2O बनता है, 2 NO2 बनते हैं और बन जाती है एक नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। एक सेकंड, इसको साफ साफ लिखते हैं, कुछ जगह की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। H
NO3 ये डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होके वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसमें डिकम्पोज हुआ। ठीक है, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही हम 2 लगा देंगे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, क्या नाइट्रोजन बैलेंस है? नहीं। यहाँ पे 2 लगा देंगे नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? हाँ जी, अब ये डिकम्पोजिशन की इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा जी, फॉस्फोरस जो है उसका एक ऑक्साइड होता है जो उसकी हाईएस्ट स्टेज है, वो क्या है कि 2 फॉस्फोरस अगर आपने लिए तो 5 ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या बना लेते हैं, P2O5, मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं, वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ऐसे ही P2O5 वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगा, 2 फॉस्फोरस हैं तो 2। ठीक है, क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस है? अगर हम हाइड्रोजन बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लगा दें। अब ऑक्सीजन चेक करो, 5 और 3 8, 2 और 4 8। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। ओके, अब क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, ये तीनों एक साथ ही हो रही होंगी ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। चलिए, किया आपने, तो क्या होगा कि 5 नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिलेंगी, 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगी। NO2 कितना बनेगा, 10। ठीक है, ये कितना बनेगा, 10, मतलब 10 डिकम्पोज होंगे। ठीक, और ये कितने बनेंगे, 5। ठीक, P2O5 कट जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा हमारे पास, 5O2 कट जाएगा। ठीक है, 3H2O ये किससे कैंसिल आउट करेंगे, 5H2O से, तो यहाँ 2H2O बचेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन ये आएगी कि 2 फॉस्फोरस प्लस, सब तो कैंसिल आउट हो गए, 10HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे थे, और उस रिएक्शन में हमें क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल वाटर। ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ H3PO4 प्लस 10 मोल ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस पूरे को 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप यहाँ आ जाओगे कि फॉस्फोरस प्लस 5HNO3 गिव्स H3PO4 H2O और 5NO2। इसी तरीके से आपको ऊपर वाली रिएक्शंस भी करनी है। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या ट्रिक है कि SO3 वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, H2SO4। इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वा रेजिया। क्या होता है ये एक्वा रेजिया? बेसिकली गोल्ड जो होता है वो सॉल्यूबल नहीं होता है किसी भी एसिड में, मतलब नाइट्रिक एसिड में भी सॉल्यूबल नहीं होता है। अब क्या करें, गोल्ड को कैसे गलाएं? क्या हीट करना ही एक ऑप्शन है या फिर और भी कोई ऑप्शन है कि इसका सॉल्यूशन बना के रख लें? मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा हुआ था रियल में कि साइंटिस्ट ने क्या किया था कि नाजी आर्मी आ जाएगी, इस वजह से क्या किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, एक्वा रेजिया का खोज की थी, एक्वा रेजिया बनाया था। क्या था एक्वा रेजिया? बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन था जहाँ पे गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाए और ऐसा लगे जैसे कोई केमिकल रखा हुआ लैब के अंदर। अब कौन आके उठा के ले जाएगा केमिकल को? ठीक है, तो गोल्ड जो है उसे कैसे डिसॉल्व करना है, गोल्ड का ऑक्सीडेशन भी करना मुश्किल, गोल्ड का रिडक्शन, मतलब क्या करें इसका। ठीक है, रिएक्शन इनर्ट मेटल है, रिएक्शन भी नहीं कर रहा है। तो क्या किया जाता है कि 3 वॉल्यूम HCl ली जाती है, मतलब 3 लीटर HCl ले लिया और 1 वॉल्यूम HNO3 ले लिया, इनका क्या करा जाता है, रिएक्शन। और ये कंसनट्रेटेड होने चाहिए, जब ये कंसनट्रेटेड होते हैं ये रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन में बनाते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, मैं आज मार्कर थोड़ा कम चला रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी मोच आ गई है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड वाटर और बनती है नेसेंट ऑक्सीजन, नई नवेली बहुत ही रिएक्टिव ऑक्सीजन के एटम्स। अब एटम्स तो होते ही रिएक्टिव हैं, सबको पता है। तो गोल्ड के मेटल के साथ ये एटम्स क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, AuCl3। अब AuCl3 क्या होगा, बेसिकली Au+++ और Cl- Cr- और Cl-। ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमें
आयंस के रूप में घुला हुआ मिलेगा, सॉल्यूबल मिलेगा गोल्ड। तो ये गोल्ड का सॉल्यूशन इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एक्वा रेजिया किसको कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को जिसमें नेसेंट क्लोरीन होती है और वो क्या करती है, गोल्ड को और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर देती है। अगर प्लैटिनम डाल दोगे आप तो प्लैटिनम जो होगा वो चार क्लोरीन नेसेंट के साथ क्या बना लेगा, PtCl4, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट बात थी। एक ब्राउन रिंग टेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है और नाइट्रिक एसिड को लिया जाता है। बेसिकली नाइट्रेट का कोई भी सॉल्ट ले लिया जाता है, KNO3, NaNO3, और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिया जाता है। जब उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला देते हैं तो सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब क्या होता है, अब फर्दर हमें पता है कि जब कभी नाइट्रिक एसिड बनेगा तो वो क्या होगा, डिकम्पोज होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। अब अगर इसके साथ में हम फेरस सल्फेट की रिएक्शन कराएं तो फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो बनता है फेरिक सल्फेट। अब फेरिक सल्फेट अगर एक बार बन गया तो वो फर्दर क्या करेगा, फर्दर फेरिक सल्फेट जो है, फेरिक सल्फेट जो है बच्चों वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। कैसे करेगा आओ देखते हैं। वो बेसिकली फेरिक सल्फेट, ये जो NO बना है ना HNO3 के डिकम्पोजिशन से, ये रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए रखी गई हैं। आपको सारी क्वेश्चंस नहीं याद करनी है, जो याद करनी है वो बता दूंगा। HNO3 का डिकम्पोजिशन होता है तो NO बना था और साथ में था फेरिक सल्फेट, तो इसमें से एक कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड क्या होता है उसका देख लो, NO और SO4, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये होता है बेसिकली ब्राउन रिंग नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, ठीक है। ये होता है नाइट्रो फेरस सल्फेट, ये क्या होता है, ये होता है ब्राउन रिंग। कैसे मिलता है, अब यहां देखो, एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक, इसको क्या किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डाला गया। जैसे ही डालना शुरू करा फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को, FeSO4.NO, यहाँ पे H2O मिसिंग है, H2O कभी कभी अवॉइड भी कर देते हैं लेकिन कभी कभी लिख भी देते हैं, बेसिकली लिखना चाहिए क्योंकि H2O यहाँ पे एक लीगेंड के रूप में जुड़ा हुआ होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर मिलती है हमको ब्राउन रिंग FeSO4.NO, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने समझी कि फेरस सल्फेट बना, फेरिक सल्फेट बना और एक और कंपाउंड बना, वो कंपाउंड क्या था, फेरस सल्फेट विद NO इज FeH2O5.NO, ठीक, SO4, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया है। एक दो चीजें और हैं, एक दो छोटी छोटी बातें, जैसे कि यूजेस क्या है नाइट्रिक एसिड का, कि नाइट्रिक एसिड को डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए और एक्सप्लोसिव, जैसे कि ट्राई नाइट्रो टॉल्यून, आपने TNT का नाम सुना होगा, ठीक है। तो TNT क्या होता है, TNT बेसिकली बेंजीन की एक रिंग होती है, होता यह है कि बेंजीन की जो रिंग है उस बेंजीन की रिंग पे एक तरफ CH3 लगा होता है, इसको बोलते हैं टॉल्यून। टॉल्यून का करते हैं नाइट्रेशन, HNO3 पास करते हैं और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये मैटा होती है, मैटा को छोड़ देता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच हो जाते हैं, ये बनती है ट्राई नाइट्रो टॉल्यून, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है। और नाइट्रोग्लाइसरीन, पिक्रिक एसिड, ये सब बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, कैल्शियम नाइट्रेट बनाने में, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करवाते हैं सॉइल में, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड का क्या यूज़ है, जैसे सिल्वर है या गोल्ड है, उसको प्यूरीफाई करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड जमा हो गया है मेटल के ऊपर, तो उसको साफ़ करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरीज़ में इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नाइट्रेटिंग मतलब जैसे NO2 अटैच करना था टॉल्यून में, तो हमने ट्राई नाइट्रो टॉल्यून बना ली, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है कि पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर जंग जम गया है, मेटल का ऑक्साइड आ गया है, कुछ मार्क्स आ गए हैं, तो उसकी सफाई करनी है, पिकलिंग करनी है, तो पिकलिंग भी किससे की जाती है,
HNO3 से, ठीक है। और रॉकेट के फ्यूल्स में भी एज अ ऑक्सीडाइजर इसको यूज़ किया जाता है। थैंक यू बच्चों, हमारी कंपाउंड्स की पूरी सीरीज़ हो गई है, और मेटल से मैं बता रहा था कि मेटलर्जी का भी हमारा एक अलग लेक्चर पड़ा हुआ है लगभग एक घंटे का, उसमें पूरी मेटलर्जी कवर कराई गई है, तो आप लोग उसे देखेंगे तो आपको इस सेमेस्टर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 2 लेक्चर्स में कराई गई है, तो उसे भी देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।